हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअली मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल नई है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, एक बेसिक टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न कर दिया है। मीन्स उसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया है। और टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से यूज किया गया है कि आप सोचते रह जाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या इन्होंने ऐसा किया है। आइए वीडियो करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप पहले देखिए। HVAC ऑटोमेटिक कंडेंसर क्लीनिंग सिस्टम, मींस इस टेक्नोलॉजी को इस कंपनी ने नाम दिया है ACCS, ऑटोमेटिक कंडेंसर क्लीनिंग सिस्टम। मींस होता क्या है फ्रेंड्स, हमारे जो HVAC प्लांट होता है, जो सेंट्रलाइज AC होते हैं, बड़े बड़े AC होते हैं, उनमें क्या है, कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों होते हैं। तो हमें कंडेंसर का डीस्केलिंग कराना पड़ता है हर साल। डीस्केलिंग कराने का मतलब कि उसमें जो हम कूलिंग टावर का पानी चलाते हैं, उसके थ्रू स्केल जमा हो जाती है, और वो स्केल क्या है, जो ट्यूब में पानी चलता है उसको नैरो कर देती है, जिसके कारण हमारी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। और उसी को करने के लिए हम उसको हर साल केमिकल के थ्रू डीस्केलिंग कराते हैं, और उसका हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि केमिकल भी लगता है और हमें लेबर चार्जेस भी देना पड़ता है और हमें वेंडर इंजीनियर को हायर भी करना पड़ता है उसके लिए। तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हमारा हो जाता है, और हमें प्लांट शटडाउन में भी डालना पड़ता है, क्योंकि हमें कूलिंग टावर की कंडेंसर लाइन का क्लीनिंग करना है, तो हमें प्लांट शटडाउन में डालना पड़ता है, और उसके लिए एक दिन या दो दिन या तीन दिन का प्रोसेस हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए एक ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि रेगुलर सफाई करते रहो। मान लो अब हमारे अंदर उसके अंदर ट्यूब हैं, कंडेंसर जो है हमारा, कंडेंसर के अंदर ट्यूब होती हैं, मैं एक HVAC वीडियो में बता चुका हूं, तो ये आप वहाँ भी देख सकते हो। तो उस ट्यूब को अगर हम रेगुलरली रोज साफ करते रहें तो कैसा होगा। लेकिन आप कहोगे कि सारा सिस्टम बंद है, उसको रोज कैसे साफ कर सकते हो आप। तो वही टेक्नोलॉजी इन्होंने प्रयोग की है यहाँ कि वो डेली बेस पे उसको साफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हो कि ये हमारा कंडेंसर है। मैंने ये क्या बनाया, कंडेंसर है। कंडेंसर का कोशिश क्या है, अंदर वाला भाग। मीन्स अगर हम कंडेंसर पे क्या है, दोनों साइड ऐसे सेल टाइप का होता है एक, और इसमें पानी आने और जाने के लिए इधर भी लाइनें होती हैं और इधर भी लाइनें होती हैं, इधर भी होती हैं, मतलब फ्रेंड्स चार लाइन जुड़ी होती हैं। मैंने सिर्फ कूलिंग टावर वाले पानी की लाइनें ही ली हैं इसमें, जो चिल्ड वाटर या इसमें रेफ्रिजरेंट चलता है वो अंदर से चलता है, उसकी लाइनें कनेक्ट नहीं की हैं, ठीक है। तो वो इसमें कैसे चलता है वो अलग चीज़ है, मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। अब आप देखिए, मान लीजिए कंडेंसर है, ठीक है, मैंने कंडेंसर बनाया। तो कंडेंसर का फ्रंट से जो ये वाला पोर्शन, ये कवर रहता है, ये दोनों साइड से ऐसा ही रहता है। इस कवर को अगर हम खोलते हैं तो ये अंदर से इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। यदि आपने कभी देखा होगा तो ठीक है, नहीं मैंने एक HVAC के जो मेरा चैनल में HVAC के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने स्केलिंग यानी डीस्केलिंग ऑफ कंडेंसर के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से सफाई की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है इस तरीके से, नीचे का पोर्शन, अपर पोर्शन। मींस जो कूलिंग टावर से पानी आता है, ये आप देखिए कूलिंग टावर से पानी आ रहा है पंप के थ्रू, ये इसमें अंदर जाता है और इन ट्यूबों में से होते हुए ये इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ट्यूब में तो रहता है पानी जो कूलिंग टावर से आता है, ठंडा पानी इन और आउट, लेकिन जो इसकी सेल रहती है, जो सेल रहती है उसमें चलता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ये डाउन करता है और उसी के थ्रू हमारा सारा सिस्टम चलता है। चलो, ये तो बात थी HVAC की। अब ये कर क्या किया इन्होंने फ्रेंड्स, देखिए ये जो होल है यानी ये जो ट्यूब है, ये सारी सेम साइज की होती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट साइज की होती हैं, और इनको हम रेगुलर क्लीन कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा साइकिल, अगर आपने देखी हो तो साइकिल एक्चुअली इस तरीके से, साइकिल का जो अगला पहिया होता है ऐसे होता है, ये एक्सल चलता है और ये इसमें तीली लगी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो गांव में या कहीं भी, तो उसमें क्या है, इसमें एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल आते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटी सी प्लास्टिक की बॉल डाल देते हैं, और इसमें भी एक प्लास्टिक का रिंग टाइप का आता है वो डाल देते हैं। वो किस लिए डालते हैं फ्रेंड्स, होता है क्या, तीलियों को एकदम साफ नहीं किया था, लेकिन जब ये चलती है इस तरीके से तो ये जो बॉल है ये ऊपर नीचे सरकती है। जब ऊपर नीचे सरकेगी तो नीचे आने में और ऊपर आने में जो भी डस्ट उस पर जमा होगी उसको हटा देगी। तो मीन्स ये जो लगाया जाता है, इसका पर्पज जो होता है, इसको क्लीन रखने के लिए होता है। सेम प्रोसेस इन्होंने वहां किया है कि हम किस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। आइए पहले सिस्टम समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्लीन करते हैं। तो ये कंडेंसर है,
कंडेंसर से ये फ्रेंड्स आउटलाइन है जो हॉट वाटर जो कूलिंग टावर को जाता है, ये आगे कूलिंग टावर को चला है, मैंने लिख दिया टू कूलिंग टावर, ठीक है। और ये फ्रॉम कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से ठंडा होने के बाद पानी अंदर आ रहा है, ये तो सीधी सी बात आप समझ गए हो। तो अब इन लोगों ने क्या किया है, यानी इस कंपनी ने क्या किया है, आइए मैं बताता हूँ आपको। इसने क्या है, ये फ्रेंड्स आउटलाइन, ये इनलाइन, ये मेन लाइन है दोनों, और मेन लाइन से दो लाइन उठा करके एक पंप लगा दिया, ठीक है। पंप लगाने में इन्होंने यहाँ मैनुअली वाल्व भी लगाए हैं और सोलेनोइड वाल्व भी लगाए हैं चारों, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंप की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि जब पानी इधर से आएगा तो वो इधर से आउट कर देगी, और जब पानी इधर से आएगा तो इधर से आउट कर देगी। तो मींस क्या हो गया, अगर पानी इस लाइन से अंदर लेना है हमें तो वो इस वाल्व को खोल देगी और इस वाल्व को खोल देगी, इन दोनों को बंद कर देगी, ठीक है, कंट्रोलिंग के थ्रू। और अगर पानी इस लाइन से लेना है तो इस वाल को यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, इसको और इसको बंद कर देगी, और इसको और इसको खोल देगी, पानी आउट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसने ऐसा किया है। तो ये सोलेनोइड वाल्व है और ये मैनुअली वाल्व है, ये भी एक मैनुअली वाल्व लगा दिया इन्होंने आउट पे। और उसके बाद क्या किया है फ्रेंड्स, ये एक बड़ा सा सिलेंडर टाइप का है इनका गोल, और ये ग्लास का है, मींस आप ये समझिए कि पूरा प्लास्टिक है लेकिन ये बीच में ग्लास लगा है इसमें। और इसमें क्या है, अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम देखते रहते हैं, हमें दिखाई देता है प्रॉपर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बाल कलेक्टर। क्या है ये? बॉल कलेक्टर, ये जो चीज है, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए बॉल कलेक्टर के बाद इन्होंने फिर यहां से दो लाइनें कर दी, एक लाइन स्टेनर के थ्रू इससे जोड़ दी और एक लाइन को इससे जोड़ दिया डायरेक्ट, क्लियर है। यहां भी इन्होंने एक सोलेनोइड वाल्व यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, दोनों वाल्व मैनुअली भी दे दिए हैं, अगर कुछ काम है तो मैनुअली बंद करके भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये छह वाल्व सोलेनोइड हैं और ये छह वाल्व पैनल से इनके चलते हैं, छोटा सा पैनल है उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चलते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए बेसिक साइकिल क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये ट्यूब है पूरी पूरी, ठीक है। इस ट्यूब में अगर मुझे ये अंदर से कोई नली, जैसे बंदूक की नली साफ करनी होती है तो उसमें हम कपड़ा लपेट के और उसको अंदर से साफ कर देते हैं इस तरीके से, तो सेम प्रोसीजर। ये क्या है, ये बॉल है एक, और ये बॉल फ्रेंड्स रबर या पीयू टाइप की होती है मेटेरियल, स्पंजी बॉल है बिल्कुल ये। तो इस बॉल को क्या किया, अगर इस ट्यूब का साइज, ये देखिए इस ट्यूब का साइज जो है मैं कहता हूं कि 20 mm है, मान लेता हूं मैं, ठीक है 20 mm है, तो ये जो बॉल का साइज है, ये जो मैं बॉल बताऊं, इस बॉल का जो साइड है वो 21 mm है, मींस 1 mm मात्र बड़ी है, लेकिन स्पंजी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दब नहीं सकती, स्पंजी है ये। तो होता क्या है, स्पंजी बॉल है बिल्कुल, ऐसे आराम से आपने देखा होगा जब आप ब्लड देने जाते हैं तो वो एक बॉल आपको हाथ में दे देता है और आप ऐसे ऐसे दबाते रहते हो, सेम ऐसे ही बॉल है लगभग ये देखने में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पिक्चर में। तो होता क्या है, जब ये बॉल, देखिए इसमें क्या है, इसमें सारी बॉलों को इन्होंने भर दिया जाता है, यहाँ ओपनिंग है इसकी और ओपनिंग में इसमें सारी बॉल भर दी, ठीक है। भरने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये जो पानी है इनलाइन का पानी है, ठीक है, पानी यहाँ से लिया इन्होंने, इस तरीके से पंप चलाया, पंप चलाएंगे तो ये वाल और ये वाल खुल जाएगा और इसके थ्रू पानी ऐसे आया और इसमें आ गया, ठीक है। पंप थोड़ा प्रेशर से पानी देता है, यानी जो प्रेशर इसमें नॉर्मल चलता है उससे ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर देता है। तो होता क्या है, जब ये इसमें आता है तो सिस्टम ऐसा करता है कि ये और ये वाल्व खोल दिया, ये बंद कर दिया, और ये बॉल अब क्या है, इस पानी के प्रेशर से पानी के साथ सारी बॉल इसमें आनी है। तो इसमें आने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, इधर से तो पानी आ ही रहा है ऑलरेडी, तो उधर जाएंगी नहीं, ये वाल्व बंद कर दिया जाता है सोलेनोइड पैनल के थ्रू और ये वाल्व खोल दिया जाता है, ये ऑलरेडी खुले हुए हैं। तो जब पानी का प्रेशर आता है तो पानी का प्रेशर इससे ऐसे होते हुए जब पानी का प्रेशर आता है तो इन बॉलों को सारी को इंजेक्ट कर देता है, किसमें, इसमें बॉल इसमें आ जाएंगी, ये जो ट्यूबिंग है उसी साइज से है कि बॉल सारी अंदर चल जाएं, तो बॉल इसमें आ जाती हैं और पानी के थ्रू इसमें आ जाती हैं। तो अब जितनी भी बॉल हैं फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो ये ट्यूब हैं इन ट्यूबों में बॉल चली जाती हैं, क्योंकि पानी का तो प्रेशर है, अगर बॉल मुंह पे आएगी तो अंदर चल जाए, क्योंकि मान ओनली 1 mm मोटी है तो 1 mm भी स्पंजी है, जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो उसमें निकल जाती है वो बॉल, जब निकल जाती है तो यहाँ से पीछे से होके फिर रिटर्न में आ जाती है, ठीक है, और रिटर्न में आके फिर यहाँ आ जाती है बॉल। तो अब यहाँ आ गई बॉल, मान लीजिए यहाँ से ये फंसी इसमें और ऐसे होते हुए जब ये यहाँ से जाएगी तो फ्रेंड्स ये मैंने ट्यूब बनाई हुई, देखिए ये जो है फंस के जाएगी। अब पानी का प्रेशर जब इधर से पड़ रहा है तो ये जो स्केल इस पर जमा हो रही है धीरे धीरे, ये इसको हटा देगी, क्योंकि ये हैंड टू हैंड जमा हुई है, अभी जमा हुई है तो अभी साफ हुई हो जाएगी, अगर टाइट हो जाएगी पपड़ी बन जाएगी तो नहीं साफ होगी, तो ये इसको लेकर चली जाएगी यानी पानी में फिर से घोल देगी, ठीक है, ट्यूब हमारी साफ हो गई, ट्यूब का प्रॉपर साइज हो गया।
ये यहां से गई, यहां से घूमी और यहां से रिटर्न निकल गया। अब ये यहां से रिटर्न निकलने के बाद इसके साथ पानी के साथ आ जाती है, प्रेशर कोई नहीं, नॉर्मल पानी का प्रेशर चल रहा है। ये पंप सिर्फ इतनी देर चलता है कि ये जो जितनी बॉल है ये सारी इसके अंदर चली जाए, जब इसमें से बॉल चली जाए तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, इसका काम खत्म। तो अब ये इसमें रन करती रही। अब ये बॉल क्या होता है, इन्होंने क्या हुआ फ्रेंड, मेन लाइन में एक वाई स्टेनर लगाया है और ये इस तरीके का स्टेनर है कि जितनी भी बॉल इससे आए वो इसमें कलेक्ट हो जाए, ठीक है, ये सारी बॉल को कैच कर लेता है लेकिन पानी को सीधे जाने देता है। और ये ट्यूब फिर पतली है, हल्की है, तो इसमें क्या है, ये बॉल फिर यहां से जैसे ही इसमें इकट्ठी हो जाती है, हमें लगता है कि हाँ बॉल लगभग इसमें आ गई, तो ये इसमें कलेक्ट कर ली जाती है, इस वाल्व को खोल दिया जाता है। इस वाल्व को जब खोलते हैं तो नॉर्मली प्रेशर से पानी इसमें आ जाता है और सारी बॉल ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एक साइकिल पूरा हो गया, यहाँ से चल के यहाँ से पूरा साइकिल आके बॉल फिर यहाँ इकट्ठी हो गई। तो ये प्रोसेस मान लीजिए एक घंटे में एक बार, तीन घंटे में एक बार, चार घंटे में एक बार, तो आप ज़्यादा गंदी है शुरुआत है तो कम समय में कर लेंगे कि एक घंटे में एक बार ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। तो ये रनिंग में रहता है ऑटोमेटिकली और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली डाल देता है। तो आपका प्लांट जब चल रहा है, मान लो 24 घंटे प्लांट चल रहा है, तो 24 घंटे में अगर तीन घंटे में एक बार करना चाहते हो तो तीन घंटे में एक बार हो जाएगा, एक घंटे में करना चाहते हो तो एक घंटे में एक बार हो जाता है, 10 मिनट में चाहोगे तो 10 मिनट में एक बार हो जाता है, ठीक है, वो टाइमिंग सेट हो जाती है, ठीक है। तो एक साइकिल पूरा हो गया ये इस तरीके से, बॉल यहाँ से कलेक्ट हुई यहाँ आई, तो ये बॉल क्या है अंदर से ट्यूब को रनिंग प्लांट में ही साफ कर देती है। अब आप सोचोगे कि स्टक क्यों नहीं होता सर, ये स्टक हो जाएगा, नहीं ये स्टक नहीं होती, ट्यूब छोटी होती है, ये स्पेस बहुत होता है और ये बॉल बहुत छोटी है, स्टक नहीं करती ये बॉल, ये बॉल स्पंजी है, जैसे पानी का प्रेशर आएगा निकल जाती है, ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएगी और यहाँ आके ये अटक जाएगी, यहाँ आ जाएगी तो इसके थ्रू नीचे आ जाएगी बॉल कलेक्टर में। जैसे ही सारी बॉल कलेक्ट हुई, यहाँ हमें लगा कि यहाँ कोई बॉल नहीं है नीचे, पूरी की पूरी बॉल आ गई, तो फिर से इसको वही प्रोसेस, ये सब बंद करके इंजेक्टर इधर से शुरू कर देगा और यहाँ से फिर से इसको अंदर कर देगा। अब रही बात दूसरी, आप बोलोगे सर कितनी बॉल डलेंगे इसमें, तो फ्रेंड्स सीधा सा फंडा है, आप ट्यूब काउंट कर लीजिए जितनी भी ट्यूब है, ठीक है, जितनी ट्यूब उतनी बॉल, क्लियर, जितनी ट्यूब होंगी उतनी ही बॉल डलेंगी। और इस बॉल की लाइफ, जो ये बॉल है, इस बॉल की लाइफ कितनी है, 3 मंथ मीन्स 3 मंथ्स में ये एक बार रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो ओवर साइज है 1 mm वाला वो घिस जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो 3 महीने में हमें बॉल रिप्लेस करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर बॉल इससे छोटी होगी तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगी, अंदर से बस घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये 3 महीने में हमें बॉल रिप्लेस करनी होती है, यानी यहाँ से बॉल निकालो और लगा दो। लेकिन बॉल जो है फ्रेंड बहुत कॉस्टली आइटम नहीं है, बहुत सस्ती है, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ एक बार आती है, जब ये लाइन और पंप वगैरह सारा कुछ लग जाता है तो उसके बाद इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ बॉल रिप्लेस करनी है 3 महीने में एक बार, और वो बहुत ही कम कॉस्ट की हैं, बहुत कम पैसे की हैं, ठीक है। अब फायदा क्या होता है इससे, देखिए बेनिफिट्स क्या हैं इस चीज़ के। सबसे पहली बात, नंबर एक बेनिफिट्स हैं ये, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, मींस आपकी कंडेंसर की एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी और आप उसको कंटिन्यू चला सकते हो। अगर मान लो आपको प्लांट 24 घंटे में 1 मिनट भी बंद नहीं करना, तो कोई ज़रूरत नहीं है कंडेंसर को साफ करने के लिए, आपको शटडाउन लेने की जरूरत नहीं है विंटर में भी, ठीक है, पहली चीज़। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी, अदरवाइज क्या करते हैं, जब हम डिस्केलिंग करा लेते हैं तो उसके बाद साल भर के अंदर अंदर धीरे धीरे विंटर आते आते उसका डिस्केलिंग द्वारा कराने से पहले उसकी जो एफिशिएंसी है वो लो होती चली जाती है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। नंबर दो, नो शटडाउन रिक्वायर्ड, शटडाउन नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप जाते हो कंटिन्यूस प्रोसेस में ही सब कुछ हो रहा है, तो शटडाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर तीन, नो केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स इसमें कंज्यूम नहीं करने की जरूरत है, जब हमने डायरेक्टली क्लीन हो गई। फ्रेंड्स अब ये तीली वाला ही साइकिल, तीली वाला मसला है, तो अगर मैं इसको रोजाना साफ करता रहूंगा तो मुझे इस पर कोई केमिकल लगा के साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको रोज क्लीन नहीं करूंगा तो इस पर इतनी डस्ट जम जाएगी, हो सकता है मुझे कोलीन यूज करना पड़े और कोई केमिकल यूज करना पड़े, डीजल यूज करना पड़े साफ करने के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यानी जो आपका केमिकल का खर्चा है साल भर में एक बार जो आप डिस्केलिंग कर रहे हो उसका बच जाएगा, वो नहीं करने की जरूरत है। चौथी चीज है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट वन टाइम डिस्केलिंग, मीन्स जितना ये जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो इतनी आएगी कि सारा जी की एक बार साल में एक बार डी स्केलिंग जितने में कराते हो उससे भी कम कॉस्ट का ये पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है, जितना आपका एक उसमें खर्चा आता है एक प्लांट को डी स्केल कराने में जितना खर्चा, उससे एक साल। अब ये एक साल में तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये तो कई साल चलेगा, 10 साल, 5 साल, 7 साल, जितने भी है चलता रहेगा। इसमें तो कुछ मेंटेनेंस का मेजर चीज़ नहीं है, पंप है बस ये, और ये बॉल है, बॉल 3 महीने में एक बार रिप्लेस होती है, बहुत कम होती है क्वांटिटी में और बहुत छोटे से पैसों की होती है, ठीक है। तो आपकी वन टाइम में अब आप हर साल बचा सकते हैं, और इसका जो है मुश्किल से एक या 3 साल के डिस्केलिंग में सारा कुछ खर्चा निकल आता है। पांचवा, इजी प्रोसेस है,
बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, कुछ भी स्टक नहीं हो सकता और कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये एक कंपनी है कैट इन्वायरो, कैट इन्वायरो। तो ये इसी ने ये टेक्नोलॉजी लेके आया है, इसके पास और भी टेक्नोलॉजी, ऐसी छोटी सी टेक्नोलॉजी है लेकिन मेरे को बहुत पसंद आई और मैंने सोचा कि चैनल पर भी इसको जरूर शो करना चाहिए, यानी बताना चाहिए कि इस तरीके से सिस्टम होता है। तो आपको अगर ये सिस्टम, इसके बारे में कुछ भी मेजर जानना है, डेमो लेना है या आपको लगवाना है, तो आप कैट इन्वायरो नेट पर सर्च मारेंगे मिल जाएगा। अगर वहाँ भी आपको नहीं मिलता तो ये इसका नंबर है, दिल्ली के सेल्स ऑफिस का नंबर है इसका, ये 01140503519। तो आप इससे इस पर कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में आपको ये सैंपल भी दिखाएंगे, डीप नॉलेज भी देंगे और भी कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे, कितना कॉस्ट आएगा, कैसे कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी आपको पसंद आई होगी।